नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन। और इस समय हम जगन्नाथ धाम पुरी सर्किट पर हैं। पहले हमने आपको जगन्नाथ धाम के दर्शन करवाए थे, उसके बाद आपको भारत के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कोणार्क के दर्शन करवाए थे, और आज हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में, जिसे कि 7000 मंदिरों का शहर यानी कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको भुवनेश्वर के सभी प्रमुख प्राचीन मंदिर, इसके अलावा भुवनेश्वर में खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था के बारे में बताएंगे, और साथ में भुवनेश्वर के कुछ एक मंदिर ऐसे हैं यहाँ पर आपको महाप्रसाद का भोग भी मिलता है, वो भी आपको दिखाएंगे। बात करें अगर भुवनेश्वर पहुँचने की, तो हमने अपनी ये यात्रा शुरू की थी जगन्नाथ पुरी धाम से। जगन्नाथ पुरी से भुवनेश्वर की दूरी 60 किलोमीटर है, 1 घंटा आपको लगता है। तो जैसे हमने तो जगन्नाथ पुरी से शुरुआत की थी, तो आप चाहें भुवनेश्वर से भी अपनी इस जगन्नाथ पुरी सर्किट की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर का जो रेलवे स्टेशन है वो मुख्य है। कई गाड़ियां जगन्नाथपुरी तक नहीं पहुंचती, तो इसलिए श्रद्धालु पहले भुवनेश्वर में उतरते हैं, उसके बाद जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए जाते हैं। भुवनेश्वर पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है ट्रेन से आने का। ट्रेन यहाँ भुवनेश्वर तक बड़े आराम से पहुँचती है। इसके अलावा अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं, तो भुवनेश्वर में ही एयरपोर्ट है। लिंगराज मंदिर से भुवनेश्वर एयरपोर्ट की जो दूरी है वो मात्र 3.5 किलोमीटर है। अगर आप बाई बस तक पहुँचते हैं, तो बस स्टैंड से भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है। जगन्नाथ पुरी से अगर कोई भुवनेश्वर तक बाई टैक्सी आना चाहता है, तो उसका जो चार्ज लगता है वो 2 से 2.5 हज़ार लगता है। आप उस समय उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। बस जो भुवनेश्वर से पुरी तक और पुरी से भुवनेश्वर तक, आपको बहुत बढ़िया बस सर्विस मिलती है। 1.5 घंटे के करीब आपको लगता है अगर आप बस में आते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने लगे हैं, यहाँ भुवनेश्वर में राम मंदिर है। वैसे तो भुवनेश्वर का जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है पूरे उड़ीसा का, वो है लिंगराज मंदिर। लेकिन हमें बताया गया कि अगर आपको लिंगराज भगवान के पास में से दर्शन करने हैं, तो आपको 8 बजे के बाद जाना चाहिए। तो इसलिए हम अपने एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर राम मंदिर से करने लगे हैं। राम मंदिर के हम दर्शन करेंगे, और बगल में ही राम मंदिर के यहाँ पर राम टिफिन सेंटर है। यहाँ पर आपको उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल लोकल स्थानीय हर व्यंजन खाने को मिलेगा। तो पहले मंदिर दर्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम उड़ीसा का जो ब्रेकफास्ट है वो आपको बताते हैं। तो ये राम मंदिर एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, देखने में ये बहुत सुंदर है, भव्य इसका निर्माण किया गया है। तो मुख्यतः इस मंदिर में आपको प्रभु श्री राम जी, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। पूरे का पूरा राम दरबार है यहाँ पर, और शाम के समय इस राम मंदिर में आपको श्रद्धालुओं की बहुत रौनक देखने को भी मिलती है। वैसे तो भुवनेश्वर प्राचीन मंदिरों का शहर है, लेकिन ये राम मंदिर है, इसका निर्माण अभी किया है, जो नवीनतम मंदिरों में से है। तो अभी श्री राम मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, साथ में यहाँ पर जो राम टिफिन सेंटर है, लेकिन अभी थोड़ा खुलने में समय है, 7 वैसे बज चुके हैं, और मैं देख रहा था लेकिन यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ लगनी शुरू हो चुकी है। छोटी छोटी हर उड़ीसा का जो मुख्य ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है वो हमने अपनी प्लेट में डलवा लिया है। यहाँ पर पूरी दालमा मिलती है, बड़ा दालमा मिलता है, ये गाजा है हमारी प्लेट में, रसगुल्ला जो कि उड़ीसा का काफ़ी फेमस है, साथ में जो प्लेट में हमने अपने लिए ये उपमा मंगवाया है, और जो उपमा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अलग सा है। उपमा में यहाँ पर इन्होंने सेवैयाँ भी डाली हुई हैं, हमें रस भी दिख रहा है उपमा में, और ढेर सारी अलग अलग तरह की यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं। ये छेना पोड़ा पड़ा हुआ है साथ में, यहाँ पर जो मैं छेना पोड़ा देख रहा हूँ कि हल्का सा इसको रोस्ट ज़्यादा किया गया है। और भी कई यहाँ पर ब्रेकफास्ट की आइटम्स थी, लेकिन हमने पहले अपने लिए ये 2 प्लेटें लगवा ली हैं। तो सबसे पहले इस उपमा को खाने में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा उपमा देखा है जिसमें रस पड़े हुए हैं, ढेर सारी सब्जियां हैं, और साथ में सेवैयाँ डाली हुई हैं। उपमा का जैसा टेस्ट होना चाहिए बिल्कुल वैसा है, जैसा टेस्ट का मेरा मतलब यहाँ पर कहने का ये है, तीखापन बिल्कुल नहीं है। उपमा हमेशा सिंपल ही अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स का अपना टेस्ट आ रहा है, जो रस इन्होंने डाले हुए हैं उसका अपना टेस्ट आ रहा है। उपमा का सूजी का खुद का फ्लेवर बड़े अच्छे से आ रहा है, और सेवियों ने इस उपमे को और भी बढ़िया कर दिया। अब इस वड़े को इस दालमा के साथ खाते हैं, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक कद्दू डाल लिया, थोड़ा सा कच्चा पपीता डाल लिया। दाल में पूरी में भी बहुत पसंद आई थी, कोणार्क में भी हमने खाई थी, और यहाँ पर भी हमें बहुत बढ़िया लगी। यहाँ पर तो काफ़ी रिच है ये दाल में, तो जिसका मतलब चाहे इसमें दाल की क्वांटिटी है, सब्जियों की क्वांटिटी है, वो बहुत बढ़िया से है। राई का तड़का मैं देख रहा हूँ यहाँ हर सब्ज़ी में है, चाहे ये उपमा इन्होंने बनाया है या दाल में बनाया है। तो ये पूरी दाल में ट्राई करते हैं। पूरी जैसे मैं अगर सही से बोलूँ तो पूरी जो है वो नॉर्मल टेस्टी है वैसे इसका। 2 प्लेट हमने पहले खाली की हैं, अब ये 3री प्लेट है जिसमें अलग ऑप्शन है ब्रेकफास्ट की। पहले तो ये आपको जो दिख रहा है दही वड़ा,
तो इसको दही बल्ला मत समझिएगा जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है, हम बात कर रहे हैं बड़ा की, दही बड़ा बोला मैंने, जो कि दक्षिण में सांबर के साथ मिलता है जिसे कि सांबर वड़ा कहा जाता है। लेकिन उड़ीसा में ये बिल्कुल ही अलग हो गया है, दही और वड़ा बन चुका है, दही बल्ला का दही आ गया और वड़ा सांबर का वड़ा आ चुका है। अच्छा, और ये दही बड़ा जो हम यहाँ पर खा रहे हैं, जो हमने पूरी में खाया बिल्कुल अलग था, वहाँ पर आलू दम के साथ दही बड़ा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर प्लेन दही है और वड़ा है। जो दही को देखकर आपको फीलिंग आ रही है ना, वो पूरी घर वाली आ रही है। चीनी इसमें ऐड की गई है, लेकिन ज़्यादा चीनी नहीं है, लेकिन उस दही बड़े को टेस्ट भी बना रही है। तो स्वीट्स में भी आपको यहाँ राम टिफिन सेंटर में बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब इसको रसगुल्ले को खा के देखते हैं। रसगुल्ला उड़ीसा और बंगाल में काफ़ी फेमस है। तो मैं एक्चुअली नोटिस करता हूँ यहाँ पर उड़ीसा में, हमने तीसरी बार जो रसगुल्ले ट्राई किए हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट हैं, मतलब जो इसको यहाँ पर छेना पनीर को बोला जाता है, उसको इतना अच्छे से यहाँ पर गूँथा जाता है। मीठा इस रसगुल्ले में बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। रसगुल्ले के हम फैन हो गए हैं उड़ीसा के, रसगुल्ले को तो पता ही नहीं चला। तो अभी पेट हमारा वैसे भर गया है, लेकिन छेना पोड़ा हमने पहले सीधे ही खाया था, आपको बता ही नहीं सके टेस्ट, तो फिर से हमने मंगवाया। उड़ीसा में आकर छेना पोड़ा मेरे को 3 से 4 बार भी आप खिलाओगे तो मैं बड़ी खुशी खुशी खा लूँगा, इतना बढ़िया जी हमें यहाँ का डेजर्ट लगा, उड़ीसा का ट्रेडिशनल जो डेजर्ट है। शायद राम टिफिन सेंटर का छेना पोड़ा मेरे को इसलिए भी बड़ा ही बढ़िया लगा कि जो ऊपरी लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर वो हल्की हल्की जलाई हुई है इन्होंने, तो हमने जो पहले खाया था उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था। तो अभी हमने फिर से मंगवाया तो ये देखिए, आपको इलायची भी दिखेगी इसमें, इन्होंने जहाँ से काटा अंदर से इलायची निकली है, बाहर से किसी केक की तरह दिखता है, देखिए बाहर से आपको थोड़ी सी लेयर हार्ड मिलेगी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बाजारी केक हैं उससे कहीं बढ़िया हेल्थी और टेस्टी ऑप्शन है ये छेना पोड़ा। जितनी बार भी खाया उतनी बार दिल किया एक और पीस, एक और पीस। यहाँ उड़ीसा में जब भी आप आए तो इस छेना पोड़ा को मिस बिल्कुल मत कीजिए। तो इस छेना पोड़ा और चाय के साथ हम एंड करेंगे, और इससे बढ़िया एंड यहाँ पर हो भी नहीं सकता उड़ीसा के ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट ऑप्शंस का। हमने पुरी में भी देखा था और यहाँ पर भी देखा कि जो उड़ीसा में आपको कुछ भी खाने को मिलता है तो बड़े रीजनेबल रेट्स हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर रेट हाई नहीं है। तो वैसे तो भुवनेश्वर हम पिछली रात पहुँच गए थे, तो हमने आज भी सुबह नोटिस की और कल रात को भी मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो भुवनेश्वर का शहर है काफ़ी विकसित शहर है। दो चीज़ें जो यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से नोटिस की हैं, पहली तो ये है कि यहाँ पर आपको लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। हम देख रहे थे कि बसें यहाँ पर लोकल हर 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आ रही हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजी है। और दूसरा, यहाँ पर हम देख रहे थे कि पार्किंग की व्यवस्था पूरी की पूरी सिटी में, जब हम रात को भी आए थे तो हमें कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिला, पार्किंग यहाँ पर आपको लगातार सड़कों पर दी गई है और सड़कें भी काफ़ी खुली हैं। तो अभी हम भी यहाँ से राम मंदिर से जो लिंगराज मंदिर है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो लोकल बस से ही हम यहाँ लिंगराज मंदिर चलते हैं, और वहाँ पर लिंगराज मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में ही भुवनेश्वर के जो सारे प्राचीन और बड़े मंदिर हैं उनके आपको दर्शन करवाते हैं। जिस जगह पर खड़े हैं ये भुवनेश्वर की शान है, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है लिंगराज मंदिर, जो कि 11वीं शताब्दी से यहाँ पर स्थापित है। सबसे पहले भगवान शंकर के इस लिंगराज मंदिर के हम दर्शन करेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मंदिर के बिल्कुल साथ में ही पार्किंग है, बहुत बड़ा यहाँ पर स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े मंदिर हैं, तो पार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंगराज मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, तो अब लिंगराज भगवान के एक एक करके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो गर्भगृह के ऊपर जो कलश बना हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे कि तीर कमान बना हुआ है। तो लिंगराज भगवान को यहाँ पर भगवान शंकर के रूप में भी पूजा जाता है और हरि विष्णु के रूप में भी पूजा जाता है, तो हरि और हर दोनों का मिलन है यहाँ पर। तो एक तरह से भगवान शंकर का जो त्रिशूल है और विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है उन दोनों का मिलाप करके यहाँ पर वो तीर कमान बनाया गया है। और यहाँ पर जो लिंगराज भगवान के दर्शन आपको होते हैं, थोड़े अलग तरह के दर्शन है। यहाँ पर जो शिवलिंग है पूरे का पूरा फैला हुआ है, तो उसको शिवलिंग नहीं बोला जाता, यहाँ पर विष्णु और भगवान शिव दोनों का रूप माना जाता है उस शिवलिंग को। 8 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा यहाँ पर शिवलिंग का आकार है।
ये मंदिर के शिखर की जो ऊंचाई है वो 180 फीट है। ब्रह्म पुराण में भुवनेश्वर और लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्र को एक काम्र क्षेत्र कहा गया है। धार्मिक कथा है कि लिट्टी तथा वसा नाम के दो भयंकर राक्षसों का वध करके माँ देवी पार्वती जी ने यहीं पर विश्राम किया था। संग्राम के बाद उन्हें प्यास लगी तो शिव जी कूप बनाकर सभी पवित्र नदियों को यहीं पर बुलाया। यहीं पर बिंदु सागर सरोवर है तथा उसके साथ ही लिंगराज का मुख्य मंदिर है। मंदिर के अंदर भी एक कूप है, उसी कूप से जल निकालकर भगवान शंकर का हर दिन जलाभिषेक किया जाता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर हमने भगवान लिंगराज के दर्शन किए हैं। मंदिर के आसपास ही जो विमान है, मुख्य मंदिर का जो विमान है, उसके आसपास ही पूरे शिव परिवार के आपको दर्शन होंगे। एक साइड पे भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है, एक जगह पे भगवान कार्तिकेय जी का और गौरी माता जी का भी यहाँ पर मंदिर है। मुख्य गर्भगृह के विमान के साथ ही ये तीनों मंदिर आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप माँ गौरी जी के जब दर्शन करेंगे तो इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली वो प्रतिमा है कि आप कितनी ही देर माँ को निहारते रहते हैं। तो इस तरह से मंदिर के चारों तरफ जो हैं वो भगवान शिव के परिवार के दर्शन भी आपको हो जाते हैं। लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंश राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। और लिंगराज मंदिर की जो वास्तुकला है वो कलिंगा वास्तुकला है। लिंगराज मंदिर को कलिंगा आर्किटेक्चर की देउल वास्तुकला में बनाया गया है। देउल एक तरह की वास्तुकला है जिसका प्रयोग पूर्व भारत में कलिंग शैली में बने हिंदू मंदिरों में किया जाता था। तो लिंगराज मंदिर है जो वो चार मुख्य भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं गर्भगृह है जो सबसे ऊंचाई पर है, उसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है ये जगमोहन है जिसे कि असेंबली हॉल कहा जाता है। उसके अगला हिस्सा जो है वो नाट्य मंडप नृत्य मंदिर है और सबसे अंत में जो आपको दिखाई दे रहा है वो भोग मंडप है। और इनमें से जो पहले तीन आपको दिख रहे हैं गर्भगृह है, जगमोहन है और नाट्य मंडप है, इनका जो निर्माण था वो 11वीं सदी में हुआ था। और जो अंत में आपको सबसे दिख रहा है भोग मंडप, उसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। और मंदिर के ये चारों भाग अपनी ऊंचाई में नीचे आते आते घटते चले जाते हैं जो कि एक एक्सियल अलाइनमेंट में निर्मित हैं। तो मंदिर परिसर में ही जब आप भगवान लिंगराज के दर्शन कर लेते हैं तो आपको 108 अन्य मंदिरों के भी दर्शन होंगे। और ये सभी के सभी जो 108 मंदिर हैं, बाहरी जो एक दीवार है उससे घिरे हुए हैं और ये दीवार की जो सुरक्षा के पहलू से भी काफ़ी मोटी है, ये चौड़ी है। तो लिंगराज भगवान का ये मंदिर जैसा कि हमने बताया कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे कि ये मंदिर अभी मुख्य दिख रहा है और इसके आसपास के मंदिर भी दिख रहे हैं, लेकिन हमारी एक तरफ ये देखिए सामने रोड दिख रहा है आपको, और रोड के एक तरफ ये 13वीं सदी का मंदिर है ये बना हुआ है। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो सामने भी कुछ छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर आपको 500 से 700 मीटर दायरे में सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिखेंगे और इसीलिए ही ये भुवनेश्वर शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। लिंगराज मंदिर के दर्शन करने का जो समय आपको लगेगा वो आधे घंटे से 45 मिनट का लगेगा, क्योंकि अंदर और भी बहुत से मुख्य मंदिर हैं। लिंगराज मंदिर परिसर में ही माँ भुवनेश्वरी जी का भी मंदिर है, इसका रंग बिल्कुल अलग से किया हुआ है। माँ भुवनेश्वरी जी के नाम पर ही इस शहर का नाम भुवनेश्वर पड़ा। कहते हैं कि मध्य युग में यहाँ 7000 से अधिक मंदिर थे जिनमें से अब केवल 500 ही शेष बचे हैं। और एक और मुख्य सूचना जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर लिंगराज भगवान के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो मंदिर परिसर में या मंदिर परिसर के बाहर ही आपको बहुत से पांडास मिलेंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पांडा के साथ ही यहाँ पर दर्शन करने हैं, आप खुद से भी यहाँ पर मंदिर के अंदर आकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको पूजा करवानी है तो फिर आप पांडा ले सकते हैं। तो लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम भुवनेश्वर के अगले मुख्य मंदिर में जाएंगे जो कि है अनंत वासुदेव मंदिर। यहाँ से उसकी दूरी मात्र 400 मीटर पर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसका जो निर्माण किया गया था वो 13वीं शताब्दी में किया गया। तो अभी लिंगराज मंदिर से जब हम अनंत वासुदेव मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर चौराहे पर हमें बेहद ही एक इंटरेस्टिंग रोमांचित करने वाला मंदिर देखने को मिला है जिसे कि यहाँ भुवनेश्वर में ट्रैफिक टेम्पल कहा जाता है। ये मंदिर जो है वो आधे से ज़्यादा ये मंदिर नीचे की तरफ धरती में अंदर की तरफ धंसा हुआ है। गौरी शंकर इस मंदिर का नाम है। ये बिल्कुल बिंदु सागर रोड है ये उसके ऊपर बना हुआ है और इसकी जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि चारों तरफ इसके रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर लिंगराज मंदिर है, पीछे हमारे अनंत वासुदेव मंदिर है। तो इसीलिए यहाँ पर इसे ट्रैफिक टेम्पल कहा जाता है। छोटे से ट्रैफिक आइसलैंड की तरह दिखता है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है द टेम्पल आल्सो पेयर्स लाइक ए ट्रैफिक आइसलैंड, और इसीलिए इसको यहाँ पर लोकली लोग ट्रैफिक टेम्पल के नाम से जानते हैं। और ये अभी हम अनंत वासुदेव मंदिर पहुंच चुके हैं।
लिंगराज मंदिर से मात्र हमें 2 से 3 मिनट का समय लगा है पैदल यात्रा करते हुए। ये सामने हमें एक तरफ बिंदुसागर लेक दिखाई दे रही है, वो पीछे लिखा हुआ है अनंत वासुदेव मंदिर है। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी अनंत वासुदेव मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक हम पहुँच चुके हैं। तो सामने हमें बिंदुसागर लेक मैंने आपको बताई है, वहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, टापू के बीच में से है वो मंदिर। वो भगवान श्री लिंगराज का आश्रय स्थल है, जब हर वर्ष 22 दिन के लिए यहाँ पर चंदन यात्रा निकाली जाती है। बाकी सारा वर्ष वो मंदिर बंद रहता है, केवल 22 दिनों के लिए खुला रहता है। तो हमने यहीं से ही भगवान श्री लिंगराज के विश्राम स्थल को माथा टेक दिया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं अनंत वासुदेव सुभद्रा मंदिर के दर्शन करने के लिए। अनंत वासुदेव मंदिर में जो आपको दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के होंगे, सुभद्रा जी के होंगे और बलराम जी के होंगे। और जगन्नाथपुरी और इस मंदिर में यह फ़र्क है कि यहाँ पर आपको जो तीनों भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे वे पूर्ण रूप में होंगे। जो यहाँ पर प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है वो पूर्ण रूप से हुई थी, जो जगन्नाथपुरी में थी वहाँ पर निर्माण पूरा नहीं हो सका था, लेकिन यहाँ पर इन सभी प्रतिमाओं के आपको पूर्ण रूप से दर्शन देते हुए दिखाई देंगे। तो दर्शन हमने कर लिए हैं। तो अनंत वासुदेव मंदिर पूरे भुवनेश्वर में जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है यहाँ मिलने वाला महाप्रसाद। जैसे पुरी में महाप्रसाद मिलता है, यहाँ पर भी महाप्रसाद मिलता है। पुरी का जो महाप्रसाद है वो 2 बजे शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर अनंत वासुदेव मंदिर में आपको सुबह 11 बजे से ही महाप्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। तो मंदिर परिसर में ही आनंद बाजार है, वहाँ से अपने लिए महाप्रसाद लेते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। ये फ्रूट सलाद है, ये दाल है जो यहाँ की उड़ीसा की दाल है, मीठी दाल जिसको बोलते हैं, ये साग है सरसों का साग और उसमें कई सारी इन्होंने वेजिटेबल्स डाल दी। ये यहाँ पर परमल और उसमें कच्चे केले की सब्जी है, पपीता है, ये वो चीज़ है। ये वाइट चने हैं, ये छोला, और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी परमल डाला हुआ है। ये देखिए, ये नारियल की गिरी हमें दिख रही है, बहुत ही सारी सब्जियाँ इसमें भी है, नारियल कच्चा नारियल भी दिख रहा है इस वाली सब्जी में। 100 रुपये में हमें ये मिला है, सारे का सारा महाप्रसाद है। सबसे पहले मैं खट्टा खा के देखता हूँ, ये खजूर का, ये देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, अकेले इसको खाते हैं। खजूर को इस तरह से भी खाया जा सकता है, ये आज पहली बार देखा मैंने और इतनी शानदार चीज लगी है ये। और ये अब साग खा कर देखते हैं, यहाँ का उड़ीसा का साग है ये। बढ़िया। और ये परमल की सब्जी है, इसमें आपको कितनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मिलेंगी, कच्चा पपीता डाला हुआ है। बढ़िया, एक से बढ़िया एक यहाँ पर महाप्रसाद का जो जायका है, टेस्ट है, एक से बढ़िया एक है। कोई सा भी मैं प्रसाद खा रहा हूँ उसका जायका दूसरे प्रसाद से ज़्यादा ही है। जितना भी महाप्रसाद मैंने टेस्ट किया है किसी में भी किसी भी तरह का कोई तीखापन नहीं है, मिर्च नहीं है। इस महाप्रसाद को जो मिलने का समय है सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाता है और दोपहर के 3 बजे तक मिलता है। अगर आप पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको जैसे हमें यहाँ पर इतनी वैरायटी मिली आपको वैसे मिलेगी, तो अगर आप 1:30-2 बजे के बाद पहुँचते हैं तो कुछ एक वैरायटीज हैं जो कम हो जाती हैं। तो प्रयत्न कीजिए कि लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के बाद इधर आकर आप पहले अनंत वासुदेव सुभद्रा मंदिर में दर्शन करें और उसके बाद यहाँ के अनंत बाजार में आकर इस महाप्रसाद को ग्रहण करें। ये यहाँ की दाल है, यहाँ मेरा तीसरा दिन है उड़ीसा में, हमने जगन्नाथपुरी में भी खाई थी, कुनार में भी खाई थी, यहाँ पर भी दाल खा रहे हैं और हर बार इसका जायका मेरे को अलग मिला है और बढ़िया ही मिला है। पहले दिन जब हमने इस मीठी दाल को खाया था तो तब हमें टेस्ट थोड़ा सा अलग लगा था। 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं आपको यहाँ उड़ीसा में आकर इस दाल के टेस्ट को अडेप्ट करने में, लेकिन उसके बाद आपको मज़ा आएगा आपको इस दाल को खाने में। लेकिन ये दही का जायका सबसे बढ़िया और अलग लगा मेरे को, इसमें खीरा है, फ्रूट्स हैं, हरी मिर्च है, ये देखिए हरी मिर्च है, ये मीठा डाला हुआ हल्का सा खट्टापन आ रहा है। मंदिर के अंदर ही आपको ये महाप्रसाद मिलता है, मंदिर है बीच में, मंदिर की दूसरी साइड रसोई घर है और एक साइड पे आनंद बाजार है, यहीं पर आप खरीद सकते हैं और यहीं पर आप खा सकते हैं। आनंद वासुदेव मंदिर में मिलने वाले इस महाप्रसाद को जो भुवनेश्वर के स्थानीय लोग हैं वो भी अपने घरों में खाने के लिए ले जाते हैं। तो महाप्रसाद भोग ग्रहण करने के बाद अभी हम भुवनेश्वर के अगले मुख्य तीर्थस्थल में जाएंगे जिसका नाम है मुक्तेश्वर मंदिर। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। यहाँ से जो इसकी दूरी है वो मात्र 700 मीटर है, पैदल भी आप जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं मुक्तेश्वर धाम के। तो अभी हम अनंत वासुदेव मंदिर से मुक्तेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे थे,
तो हम जो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको भुवनेश्वर में हर 50 मीटर के बाद ही कोई ना कोई प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। और इस समय हम यहाँ पर खड़े हैं जो भुवनेश्वर के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से है। यहाँ पर लिखा हुआ है परशुरामेश्वरम टेम्पल 7th century AD, 7वीं शताब्दी का ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो त्रिरथा विधि से किया गया है, जिसमें एक विमाना है और जगमोहन है। ये जो परशुरामेश्वर मंदिर है, ये एक फेमस टीचर हुए हैं यहाँ उड़ीसा में, लकुलिशा टीचर, उनके नाम से इस मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ पर आपको लकुलिशा, नटराज, माँ दुर्गा और सूर्य भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। तो एक तरह से ये परशुरामेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, ये उड़ीसा के प्रारंभिक मंदिरों में से, जैसा कि हमने बाहर पढ़ा कि 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, ख़त्म इस मंदिर का निर्माण कार्य 11वीं शताब्दी के बाद हुआ है। तो इसके बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर भगवान शिव के ससुराल कहे जाते हैं केदार गौरी मंदिर, उसके हम दर्शन करेंगे। तो एक तरह से जो पूरे का पूरा जो क्षेत्र है लिंगराज क्षेत्र, आपको यहाँ पर भुवनेश्वर के हर 50 मीटर के बाद एक भव्य मंदिर के दर्शन होंगे। तो इस समय हम एक और मुख्य तीर्थस्थल में आ चुके हैं, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर इस धाम का नाम है। और यह उड़ीसा की जो वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। लिंगराज मंदिर से जो इसकी दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, ये मंदिर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला है और बहुत से छोटे छोटे समूह के मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मुक्तेश्वर मंदिर के बाद एक और जो मुख्य तीर्थस्थल है, मुक्तेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने है ये, वहाँ पर मुक्तेश्वर मंदिर है। और ये है यहाँ पर केदार गौरी मंदिर। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और यहाँ पर 13 दिनों के लिए लगातार दिन और रात अगर आप खड़े रहकर भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं तो माना जाता है कि यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये मंदिर के अंदर ही एक कुंड भी है, जल कुंड है, जिसकी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई जाती है, उससे शारीरिक रोग दूर होते हैं। तो चलिए अंदर चलकर केदार गौरी भगवान के दर्शन करते हैं। केदार गौरी को यहाँ भुवनेश्वर में लिंगराज के ससुराल के तौर पर भी जाना जाता है। तो अभी हमने केदार गौरी भगवान के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद जो भुवनेश्वर के अगले मुख्य मंदिर राजा रानी मंदिर, उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये लिंगराज मंदिर है, उसके आसपास ही ये सभी 800 मीटर के दायरे में ये मंदिर थे, लेकिन जो राजा रानी मंदिर है वो यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक और बात, लिंगराज मंदिर और जो बाकी के मुख्य मंदिर आप भुवनेश्वर में देखना चाहते हैं तो अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो गाड़ी लगभग हर मंदिर के बाहर आपको गाड़ी के लिए पार्किंग मिल जाती है, तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। अगर आप ऑटो करना चाहते हैं तो वो 100 से 200 रुपया लेंगे आपसे शुल्क, और आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। पैदल यात्रा भी आप कर सकते हैं। जो सबसे बढ़िया विकल्प है भुवनेश्वर के मंदिरों के दर्शन करने का, वो पैदल यात्रा से भी हो सकता है। राजा रानी का ये मंदिर भुवनेश्वर के उन मंदिरों में से है जो कि ना शिव संप्रदाय से जोड़ा जाता है ना ही विष्णु संप्रदाय से, क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान शिव की नटराज की कलाकृतियाँ भी देखेंगी और भगवान विष्णु की कलाकृतियाँ भी यहाँ पर दीवारों पर उकेरी गई हैं। हर साल जनवरी माह में यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल लगाया जाता है 3 दिन के लिए। इस मंदिर को प्रेम मंदिर भी कहा जाता है और ये मंदिर जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, 25 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर टिकट का रेट है जब आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो भुवनेश्वर का अगर आप टूर प्लान करें तो एक दिन में आप पूरे के पूरे भुवनेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जो हमें समय लगा, हमने सुबह से शुरुआत की थी और लगभग 3 से 3:30 बजे तक हमें पूरे भुवनेश्वर के मंदिरों के दर्शन हो गए थे। तो यहाँ पर राम टिफिन सेंटर है, वहाँ पर हमने फूड भी एक्सप्लोर किया और सभी मंदिरों के दर्शन भी कर लिए। अगर आप यहाँ पर भुवनेश्वर में अपना स्टे रखना चाहते हैं तो हमने जो पिछली रात यहाँ पर स्टे किया वो लिंगराज मंदिर के पास ही नेस्ट गेस्ट हाउस करके है। हमारा स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था, लेकिन आप प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा के आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने नंबर दे दिया है इस गेस्ट हाउस का, आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थे भुवनेश्वर के सभी मंदिरों के दर्शन। कुछ मंदिर हमसे शूट भी किए होंगे, लेकिन हमने लिंगराज के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी प्रमुख मंदिर थे उसके दर्शन आपको करवाए हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।